स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का एक ठेकेदार के साथ बातचीत करने के बाद मचे तूफान का कांग्रेस के युका प्रदेश अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस को बदनाम करने की भाजपा भरपूर कोशिश कर रही है। विश्राम गृह सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस युका प्रदेश अध्यक्ष विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने कुछ समय पहले भी इस तरह का षड्यंत्र ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ रचा था। उन्होंने कहा कि ठाकुर कौल सिंह एक ईमानदार साफ छवि वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार से मांग की जाएगी ताकि कांग्रेस और कौल सिंह को बदनाम करने वालों का पर्दाफाश किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि संगठन में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। ये पूर्व में भी एक इस तरह का षड्यंत्र ठाकुर कौल सिंह जी के खिलाफ रचा गया था। वो एक ईमानदार नेता है, एक स्वच्छ छवि के नेता है और एक कदावर नेता है जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी है और सरकार में भी एक वरिष्ठ मंत्री है। उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है और युवा कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस माननीय ठाकुर कौल सिंह जी के साथ खड़ी है और निश्चित तौर से इस हम चाहेंगे, हम सरकार से भी मांग करेंगे कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश जल्द से जल्द करवाया जाए। जो भी इसमें विपक्ष के लोग हैं या संगठन के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है, वो जल्द से जल्द उनका पर्दाफाश होना चाहिए और हम युवा कांग्रेस चट्टान के साथ माननीय ठाकुर कौल सिंह जी के साथ खड़ी है।